हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज, आज की जो वीडियो है हमारी, वो लो पास फिल्टर होता है जो हमारा, उसके बारे में थोड़ी सी, जिन भाइयों को पता है कि लो पास फिल्टर क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और जिनको नहीं पता है कि लो पास फिल्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम कैसे बेस बढ़ा सकते हैं अपने किसी भी बोर्ड में और सब वूफर के लिए, खासकर ये हमारा जो लो पास फिल्टर होता है वो होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लो पास फिल्टर होता है, इसको LPF बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लो पास फिल्टर, ठीक है। तो इसकी जो इसका काम होता है तो वो होता है फ्रिक्वेंसी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना। यानी कि मान लो किसी मोबाइल से या किसी भी प्रीएम्प से कोई भी सिग्नल आ रहा है, कहीं से भी ऑडियो सिग्नल मिल रहा है, तो उसके अंदर से जो लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिसको हम बेस बोलते हैं, उसको ये अलग कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे बेस ट्रेबल होते हैं तो उनके अंदर सारी फ्रिक्वेंसी एक साथ निकलती हैं, जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर भी हम, लेकिन उसके अंदर सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, मिड हो गया, तो ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो उनमें जो बेस ट्रेबल होता है वो सारी फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं उसके अंदर से, लेकिन जो LPF होता है ये सिर्फ और सिर्फ बेस निकालता है। जैसे आपने किसी होम थिएटर वगैरह में देखा होगा, तो जैसे उसमें एक सबवूफर होता है और उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ बेस निकलती है, ठीक है। तो उसके अंदर LPF लगा होता है बेस निकालने के लिए, ठीक है। जैसे 4558 की जो हमारी IC होती हैं वो उसके अंदर लगी होती हैं, तो ये वही काम करता है। जैसे हमारा सबवूफर हो गया कोई भी, या वूफर हो गया, तो उसके अंदर जो बेस होती है, हमारा बोर्ड हो गया, मान लो ये एक हमारा बोर्ड है, ठीक है, स्टीरियो है ये, तो इसके अंदर मान लो कि हम एक होम थिएटर बनाना चाह रहे हैं इससे, तो इसके अंदर होगा क्या कि जो एक साइड है हम उस पे LPF कनेक्ट करेंगे, ठीक है। LPF कनेक्ट करने के बाद जो ये साइड हमारी होगी, इस साइड से जो ये बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो निकालेगा, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी इधर से निकलेगी LPF लगाने के बाद, और इधर का जो पार्ट रह गया, इधर से जो हमारी फ्रिक्वेंसी निकल के आएंगी, वो जितनी फ्रिक्वेंसी होती है ऑडियो के अंदर वो सारी इधर से निकल के आएंगी, जिसके अंदर हम एक अपना स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिधर हमें LPF यूज करना है उधर हमें सबवूफर यूज करना है, और जिधर हमें LPF नहीं लगा जिस साइड में, उधर हमें स्पीकर यूज करना है या ट्वीटर वगैरह जो भी कुछ होता है वो यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक बोर्ड से एक बढ़िया सिस्टम बना सकते हैं, और एक जो होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस है वो बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो गाइज, ये काम होता है एक इस छोटे से सर्किट का, जिसको हम LPF बोलते हैं, लो पास फिल्टर। तो ये जल्दी ही कंप्लीट मैं करूँगा और इसकी वीडियो आ जाएगी, जो जो इसके अंदर पार्ट्स लगेंगे उनकी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, और इसकी सेल भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये बोर्ड हो गए तो इसके साथ एक LPF आप लोगों को फ्री में मिलेगा, ठीक है। गाइज, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जो नए व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।